कल 7 सवाल तक हम लोग देख चुके थे ना, ये 8वां है अपना। और जाहिर सी बात है प्रश्न ऊपर से ही कह रहा है जो हल करें, मतलब हमें हल करनी है। अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सवाल को थोड़ा देखिए, अभी देख लेंगे बहुत बढ़िया लगेगा। सवाल कह रहा है हल करें, प्रश्न आपको दिख रहा है, रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या रूल्स है? बाहर में टैन इनवर्स है तो ये जो अंदर वाला है इसे भी मुझे टैन बनाना पड़ेगा। बाहर में टैन इनवर्स है तो अंदर में टैन बनाना पड़ेगा, सही है। लेकिन टैन बनाने के लिए पहले देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक। अब थोड़ा इस चीज़ को रोक लेते हैं और इधर आते हैं, और जैसे कोई भी चीज़ें नया नया चीज़ की जरूरत पड़ेगा हम बात करेंगे, उसको रोको, थोड़ा यहाँ आते हैं। सभी विद्यार्थी सुनिएगा, आपको 11th में पढ़े होंगे इसके बारे में, क्या जान पहचान है क्या? टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है, बहुत तगड़ा फार्मूला है ये, 11th की चीज़ें। अभी आप देख ले, ये टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, तो आपको नहीं लग रहा ये टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है? देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वो टेन एक्स प्लस वाई का है कि नहीं? अरे भाई ऐसे साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, इसी प्रकार ये टेन एक्स प्लस वाई का दिख रहा है। तो टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं। अरे भाई एंगल को जोड़ने वाला 8 फार्मूला देखे थे ना, उसमें से टेन वाला फार्मूला, तो टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला नोट कर चुके हम लोग। टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है टेन एक्स, रुक जाओ देखिए गौर से ना, एक्स के जगह पे इस्तेमाल करेंगे, वाई के जगह पे एक्स करेंगे, टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, क्लियर है। अब जैसे इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो टेन पाई बाई फोर मतलब वन, तो वन अब प्लस ये टेन एक्स तो रहेगी, और वन माइनस तो है टेन पाई बाई फोर मतलब वन, और वन इंटू में हो जाएगा, इंटू में है ना, क्योंकि ये जो है वन का काम करेगा और वन से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेन एक्स ये आया जब हम इसको तोड़े तो, जो कि यही मैच कर रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं अगर टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स दिखे तो आप ये लिखोगे और ये दिखेगा। तो ये प्रत्येक फार्मूला का दो साइड होता है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जब भी आप याद करेंगे तो एल एच एस टू आर एच एस और आर एच एस टू एल एच एस, मतलब एप्पल को सेब बोलेंगे तो सेब को एप्पल बोलेंगे। तो अगर एल एच एस दिखे तो आप आर एच एस लिखोगे, आर एच एस दिखेगा तो एल एच एस लिखोगे, क्लियर है। तो ये फार्मूला ध्यान से रखिएगा, इसी का उल्टा है एक, जैसे टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, इसमें प्लस है ना, इसमें माइनस है, तो बस कुछ नहीं बदल जाती है, ऊपर प्लस नीचे माइनस है, इसमें ऊपर ही माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा। तो आपको ये सब फार्मूला जो दिख रहा है इसको नोट करना चाहिए, ये दोनों फार्मूला बहुत काम का चीज़ होता है, इसको लिख लीजिएगा, अभी अभी लिख लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो ये दो फार्मूला काम आएगा बहुत ज़्यादा, और एक बार जो फार्मूला बन जाए डाके फार्मूला कॉपी में डालिए और बात बार उसको देखिए, सुनिएगा, अभी काम खत्म नहीं हुई है, काम खत्म नहीं। तो प्रत्येक फार्मूला से दो साइड बन जाएगी, आइए ध्यान देते हैं, सुनो भाई, अरे सुनो यार मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। देखिए मेरी बात को थोड़ा समझिए, जब भी आपको प्रश्न में ऐसा व्यंजक दिखे, मस्ती ना है, जब भी आपको प्रश्न में ऐसा व्यंजक दिखे, सुनिएगा, प्लस माइनस, इसका उल्टा भी हो सकता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, लेकिन ऐसा व्यंजक मतलब कॉस साइन एक जगह प्लस एक जगह, जब भी आपको प्रश्न में ऐसा व्यंजक दिखे तो आप क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस से भाग दे लेंगे, किससे, कॉस से भाग दे लेंगे, कॉस से भाग दे लेंगे, एक्स जो एंगल रहेगा वही सेम जाती से भाग देंगे। अगर यहाँ पर रहेगा पी तो यहाँ भी कॉस पी, यहाँ पर रहेगा एक्स बाई टू तो यहाँ भी एक्स बाई टू, टू एक्स तो यहाँ भी टू एक्स, जाती से होना चाहिए, से भाग दे। अब थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगी ना पहले बार, लेकिन हम उसको ढेर सारा लॉजिक दे के क्लियर कर देंगे, लेकिन आप सुनेंगे तब तक, कोई भी चीज़ें जब नहीं करेंगे कन्फ्यूजन होगी, लेकिन लॉजिक लेंगे हम लोग। जब भी आपको, फिर सुनिए, जब भी आपको प्रश्न में ऐसा चीज़ें दिखे तो आपको क्या करना है, अंश और हर में कॉस एक्स से भाग दे लेना है। अब ऐसा क्यों,
तो एक रूल्स होती है मैथ्स में, सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करे कि सवाल पे कोई फर्क पड़ना पड़े। प्रत्येक चीज का दो पक्ष होता है, LHS और RHS। तो जब हम अंश और हर में, मेरी बात को समझिएगा, x बाई टू और y बाई टू, अगर हमें ऐसा व्यंजक दिखे तो हम ये टू और टू काट सकते हैं। तो काटने के बाद x बाई वाई हम लिख लेंगे, मतलब जब ऐसा दिखे तो हम काट सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं। तो जब हमें p बाई क्यू दिखे तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब यहाँ तीन लिखेंगे तो यहाँ तीन लिखेंगे, मतलब जिस चीज़ों से गुना करेंगे उसी चीज़ से भाग देंगे, जिससे अंश में भाग देंगे उसी से हर में भाग देंगे। दू तो सिर्फ एक माना गया है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे वही चीज़ से भाग देंगे अंश और हर में जो सूटेबल होगा, और कौन सा सूटेबल होगा इसीलिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत। तो जैसे काटना अगर LHS प्रक्रिया माना जाता है तो गुना करना RHS प्रक्रिया माना जाएगा। तो अगर हमें प्रश्न में अंश और हर में सेम चीज़ों को काट सकते हैं तो सेम चीज़ों को गुना भी तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे वो विपरीत प्रक्रिया इस्तेमाल करनी है। अभी हम क्या बोल रहे थे, अभी रुक जा यार, रुक जा, कौसी समझ रहे हैं ना हम इसको बताने से पहले उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो ध्यान देखिए ना। तो हम लोग क्या बोले थे, विपरीत प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। काटना तो आप लोग को पता है, अरे काटना तो सीख चुके हैं ना, बचपन से कहीं भी दिख के काट दो। लेकिन गुना करने में थोड़ा लोचा हो जाती है, सवाल जवाब करने लगते हो, सर अपना मन से दो से गुना कर रहे हैं, तीन से क्यों नहीं, पाँच से क्यों नहीं, दस से क्यों नहीं कर रहे हो सवाल। इसी को समझना पड़ेगा, दो से ही क्यों, ये सवाल खुद आपको बताता है जो दुए से करना है, ये हम नहीं बता रहे हैं। सब कुछ हम अपना मन से करते हैं लेकिन सवाल के डिमांड पर, बस काटते हैं ना तो वो दिखता है ना। लेकिन जब गुना करने की बारी होती है तो दिखता नहीं है, वो फील होना चाहिए। तो आइए हम इस पे काम करते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, अंश और हर में किससे भाग दे ले, कौ से, ठीक है। तो काटने का उद्देश्य क्या होता है, जब हम काटते हैं तो काटने का उद्देश्य क्या होता है, सवाल को छोटा करना, आंसर लाना। और गुना करने का क्या उद्देश्य होगा, विपरीत उद्देश्य होगा। जब काटने का उद्देश्य होगा छोटा करके आंसर लाना, तो गुना करने का उद्देश्य क्या होगा, विपरीत उद्देश्य होना चाहिए। अरे बड़ा मत करना, सीधे बोलो ना, क्वेश्चन करना। काटने का उद्देश्य होता है जो काट करके आंसर लाना है ना, तो गुना करने का उद्देश्य क्या होगा, विपरीत क्वेश्चन लाना। और क्वेश्चन लाने का मतलब कोई फार्मूला बेस्ड बनना। अरे क्वेश्चन किसे कहते हैं, जो एक फार्मूला बेस्ड है। हम कहेंगे बउआ दो क्वेश्चन है क्या, लेकिन अगर कहेंगे दो प्लस तीन ये क्वेश्चन है का, हाँ मतलब क्वेश्चन क्या है, ऐसे नॉर्मली समझने के लिए भाई, अपना समझने के लिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, मतलब ऐसा व्यंजक जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एक लाइन कम से कम, कम से कम एक लाइन, मतलब LHS दिखेगा तो हमको RHS लिखना होगा, तब तो एक लाइन बढ़ गई ना। तो कुल मिलाकर हम के दूसरा भाषा में हम कह सकते हैं ना, क्वेश्चन बनाने का मतलब फार्मूला पे सेट करना, कोई दिक्कत। तो गुना करने की क्या उद्देश्य होता है, क्वेश्चन बनाना, मतलब किसी फार्मूला के जैसा बनाना, सही है, लॉजिक सेट हो रही है। गुना करने का मतलब होती है किसी फार्मूला के जैसा बनाना। अब फार्मूला के जैसा बनाने का मतलब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, हम किसके जैसा बना रहे हैं, कोई दिक्कत। आइए बात कर लेते हैं अब कॉस से ही क्यों, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम अंश और हर में सेम चीज से भाग दे ले तो ये गणित के नियम के खिलाफ तो नहीं है, इतना तो समझ रहे हैं। काट सकते हैं तो गुना भी कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करें कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब सवाल के साथ जैसा मन वैसा कर सकते हो लेकिन कोई फर्क नहीं। देखो दो ऊपर दिए दो नीचे दिए, फिर से काट करके पहले जैसा कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ा। दो में अगर जोड़े तो दो में घटाएंगे, फिर कट करके पहले जैसा हो जाएगा, कोई फर्क पड़ा। ये गणित का सबसे बढ़िया फंडा होता है, ये चीज़ों पर पकड़ बन गई मतलब सवाल को अपने हिसाब से अपना चलना शुरू कर दोगे। और इस चीज़ों पर पकड़ नहीं बन गई तो जो इजी सवाल होगा फार्मूला बेस्ड वही बनेगा, बाकी एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। 95% विद्यार्थी इसी का शिकार रहता है, जिसके कारण वो गणित नहीं ले पाता। और जिसको इस चीज़ों पे पकड़ बन गया, मतलब फार्मूला को अपने हिसाब, प्रश्न को अपने हिसाब से बना लेगा वो, गुना उना करके, ये समझ रहे हैं ना। कौन सी प्रश्न टफ होती है, जिस प्रश्न में पर्याप्त चीज़ें नहीं दिया हुआ रहता है। दूरी बराबर चाल गुने समय, एक फार्मूला होती है, तो जिसमें दूरी और चाल दिया गया है, समय पूछ रहा है, तो क्या सवाल उठपटांग है, क्या ये सवाल उठपटांग, क्या हो रहा है भाई। दूरी बराबर चाल गुने समय, समझ रहे हैं ना। तो क्या दूरी बराबर चाल गुने समय में दूरी और चाल दे दिया और पूछा जा रहा समय बताओ, तो क्या प्रश्न उठपटांग है। उठपटांग तब होगा ना जो दूरी दे दिया और चाल पूछ रहा है और समय नहीं दिया। अरे तीन चीज में से दो चीज दे दिया, तीसरा चीज पूछा जा रहा है ना, तो सवाल ईजी है ना। तो सवाल में जब पर्याप्त चीजें नहीं दिया हुआ रहता है,
मस्ती करोगे भगा देंगे बउवा, यहाँ हीरोपंती नहीं चलेगा ना, खड़ा जाओ साइड में खड़ा रहेगा। हाँ उसको कॉल किए हैं अभी। कॉल के लिए हम नहीं डांटते हैं, हरकत के लिए डांटते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? और ऊंची आवाज में कहला बोला, काहे बोला? साइड में खड़ा हो जाइए ना तो बाहर जाइए। पेप कोप चट्टा सब क्या नियम कानून लगा रखा, इतना मैसन सबसे उलपटांग हरकत आप ही को देखे, आंख से पता चल जाता है बहर लड़का। बेवकूफ सब। और यहाँ पे पढ़ने के लिए आप, अरे भाई गणित सिर्फ एगो संस्था थोड़े, मारते संस्था है, जाइए पढ़िए। हम पहले कह देते ना, जबरदस्ती है, पढ़िए बहुत सारा संस्था है, आराम से पढ़िए, 45 मिनट ही तो सहना है ना, परिवर्तन नहीं दिखेगा बढ़िया, भाग जाना बेवकूफ सब। चलो ये सब क्या यार, बढ़िया मॉल करो, गुस्सा बहुत बेकार चीज़ होता है, पहली बार आपको देखें, इंसान को खा जाता है ना। और गुस्सा जो है, गुस्सा में सब कुछ भूल जाता है, गुस्सा में मतलब ना, गुस्सा में कोई मत होना, गुस्सा झंड हो जाता है इंसान, गुस्सा बुरी चीज़ें होती है। चलो क्या बता रहे थे, बढ़िया चीज़ बोल रहे थे, देख लो गुस्सा बेकार चीज़ होता है ना। हाँ तो सुनिए, तो हम आपको एक, आपको इतने लेक्चरबाजी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पूरे गणित में भरले परले मिलेगा। हम चाहते हैं कि आज गणित को लास्ट में, जो गणित के लिए जब तो जद्दोजहद करते हैं ना, बाप रे ये टफ है वो टफ है, सवाल को ना अपने जैसा बनाइए। कभी किसी टीचर देखते किसी सवाल से नहीं भटकेगा, वो कैसा भी सवाल है पहले आराम से चिल करेगा, सोच लेगा। पहले टीचर देखते होंगे सोच रहा है, तो पता है क्या सोचता है, वो सोचता है ये सवाल पूरा है, अगर सवाल पूरा है तुरंत कलम चलना शुरू हो जाता है, और सवाल पूरा नहीं तो थोड़ा सोचेगा जी इसमें क्या छेड़छाड़ करें कि पूरा बन जाएगा, है ना। तो यही चीज़ें तो करना है, इसी चीज़ को सीख लेना है, अगर छेड़छाड़ करना सीख गए सवाल उंगली पे आ जाएगा। वही चीज़ आपको इंटरमीडिएट में सिखा देगा, टेंथ में ये चीज़ें नहीं सिखा रहा था, टेंथ में ये चीज़ें की चर्चा नहीं थी, तब ना देखते होंगे टेंथ में, टेंथ का मैथ्स आपको इंटरमीडिएट का अपेक्षा आसान लगता होगा, आसान लगता होगा क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न फार्मूला बेस्ड था, फार्मूला याद कर लो बैठा लो काम हो जाएगी, चीज़ें क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आपको छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं, तो फार्मूला आप लोग कर लिए, तो किसी चीज़ को छेड़छाड़ करने मतलब होता है कंप्लीट फार्मूला जैसा बनाना। अब लड़का बोला कि सर कॉस से ही क्यों भाग देंगे, तो थोड़ा इस प्रश्न को थोड़ा देखिए, मेरी बात थोड़ा समझिएगा, यही पे आ जाए क्या, यही पे आ जाते हैं, टेन इनवर्स ये है मेन बट्टा, और ऊपर में क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सही है। ये मेरा प्रश्न था, अगर हम अंश में भी कॉस एक्स से भाग दे ले और हर में भी कॉस एक्स से भाग दे ले तो ये मैथ के नियम के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करने से ये जो अधूरा चीज़ है वो पूरा हो रहा है। कैसे पूरा हो रहा है अब देखिए, अब पूरा इसी वक्त भी हो सकता है या अगला स्टेप में भी हो सकता है। अब जैसे हम अलग अलग करेंगे, देखिए दोनों के बटा में आ गया, तो अलग अलग करेंगे तो कॉस बटा कॉस वन माइनस साइन बटा कॉस, कॉस बटा कॉस साइन बटा कॉस, आ जाइए टाइम पे आ जाएं। देखिए मतलब यार कोई बात नहीं, बैठ जाइए, साइन के साथ खो गए कल से मत खोइएगा, आइए। तो या तो उसी समय आपको फार्मूला बेस्ड हो जाएगा, नहीं तो अगला स्टेप में होगा। अरे भाई अभी अगर छेड़छाड़ करते हैं अगला स्टेप में ना फल मिलेगा। अब इसको देखिए और उधर देखिए, किसी न किसी से मैच कर जाएगा, ये दोनों में से किसी से ध्यान रखना, या तारे से मैच करेगा नहीं तेले से। गौर से देखिए, हमें लग रहा है ये जो है नीचे वाला से मैच कर गया, ये दिख रहा है हमको, ये लिखना है, कोई दिक्कत। अब हम अगला स्टेप में, बाहर में है टैन इनवर्स और ये वो दिख रहा है ना, इसके जगह हम क्या लिख लेंगे, टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स, कोई दिक्कत। बाहर वाला टैन इनवर्स को छूछा नहीं कर रहे, अब ये टैन इनवर्स और टैन, यही तो हम लोग का उद्देश्य होता था टैन बनाना, कट जाएगी तो बचेगा क्या पाई बाई फोर माइनस एक्स, यही ना छोटा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कॉस से ही क्यों, समझ में आ गई है ना, कॉस क्योंकि कॉस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही तो है मैथ, पहले से कुछ नहीं पता होती है इसीलिए तो आप आते हो ना, देखिए इसीलिए आप आते हो, यही तो सवाल है जो पहले से हमें नहीं पता होगा, तो आप लोग यही सवाल होगा, सर आप तो मास्टर हो तो चीज़ें जब हम शुरू किए थे तो क्या हमको पता था, किसी को पता नहीं रहती है यहाँ इन्फॉर्मेशन पता करनी पड़ती है ना,
फाइनली अगर माना कि किसी सही रास्ता पर जाने के लिए, एक मिनट, किसी सही जगह पर पहुंचने के लिए 6 रास्ता है और आपके पास कोई गाइड नहीं है, तो आपके पास 6 ऑप्शन बनती है, 6 को ट्राई करना पड़ेगा सही रास्ता चुनने के लिए। अगर सही रास्ता पर जाना है और कोई गाइड नहीं है, गाइड मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदा, और सुरास्ता पर जाना है तो क्या करोगे, लेकिन आपको जाना है तो आपको एक एक करके 6 में ट्राई करना पड़ेगा और कोई ना कोई तो सही होगा। तो सबसे पहले सही चीज़ों को पता करने के लिए चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब आप सही रास्ता पता कर लिए तो आप मेंटर बन गए, अब आप पीछे वाले को बता सकते हो, जो देखो हम ये 5 को ट्राई कर चुके हैं, ये गलत है, तुम ऐसा ना करो, तुम ये रास्ता में जाओ, यही सही है, समझ रहे हैं। तो यही सब चीज़ें आप पढ़ने आते हो, किसी के अनुभव का इस्तेमाल करवाने आते हो, इसके बाद आप कुछ पैसे देते हो, आप जो यहाँ पे चीज़ें सीखने आते हो तो किसी के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहते हो, है ना, इसके बाद आप पैसा पे करते हो। तो यही चीज़ें किसी को पहले से नहीं पता होती है, तो आप क्यूरियस हो करके पता ले, समझे, और हमेशा खुद को ओपन रखें। नहीं कहा जाता है, देखिए साइंस में क्या होता है, खुद को ओपन रखना चाहिए, ज़्यादा सवाल जवाब भी सही नहीं है, सवाल जवाब करिए लेकिन सवाल जवाब के साथ ना ओपन रखिए चीज़ें सीखने के लिए, है ना। सब चीज़ आपको आता ही है तो उसको सीखना कहाँ, सीखना किसे कहते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता है और वो चीज़ के बारे में हमको पता चला, लॉजिक पता चली, इसको हम लोग सीखना कहते हैं। तो इस चीज़ों पर ध्यान दे थोड़ा सा, एक मिनट, आप लोग पहले इसको लिखेंगे और थोड़ा सा इसको स्टार बना के लिख लेंगे क्या, और हम आपको बता दिए फार्मूला का कॉपी हम इसी के लिए बनवा रहे हैं। देखिए ये छोटा सा चीज़ है ना, जाके फट से डाल के घेर देंगे लाल पीला कलम से, समझिए ना। और जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा ना, जैसे आप देखेगा तो ये कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है सवाल को छेड़छाड़ करने का तरीका, है ना, आपको दिख जाएगा। और एक बार नहीं, देखिए ना कितना बार यूज होता है सवाल में, ये इस चैप्टर में, उस चैप्टर में, बहुत जगह पर यूज होगा, और देखिए धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। जल्दी खाली कर लीजिए थोड़ा सा, एक नौवा सवाल कुछ ऐसा है, ये देखो काफ़ी ईजी है, एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको देख करके कोई बता सकते हो क्या करे, इस व्यंजक को आपको देखे, याद है ना, जब भी हमें ऐसा व्यंजक दिखे तो हम माना कि क्या करते हैं, एक्स के जगह पे ए साइन थीटा एक्स नहीं कहोगे, क्योंकि एक्स तो प्रश्न में ही दे रखा है, ए साइन थीटा ये ए कॉस थीटा अनजान चीज नहीं है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसी के बारे में ज्यादा बोलते हैं जो नई चीजें होता है, और हम खूब बोलते हैं, पक भी जाते होंगे आप लोग, लेकिन आपको इसका पता चलेगा आज क्यों बोलते हैं। तो एक्स के जगह पर हम ए साइन थीटा पुट करेंगे, और जैसे हम एक्स के जगह पे कोई चीज पुट करते हैं उसके बाद का उद्देश्य थीटा का मान निकालना होता है, तो यहां से थीटा का मान निकालो, तो देखिए थीटा का मान कैसे निकलेगा, सुनो चुट्टा का कहते कहते बीटो किया है, तब तो पूछ रहा है, वीडियो देखा तो हीरो काला बन रहा है, ऐसा ऐसा मत समझ लीजिएगा जो बीपी हाई है मेरा, नहीं ना बीपी हाई, अरे भाई बीपी हाई नहीं है मेरा, बीपी हाई नहीं है, बशर्ते कि आपकी बदमाशियां को हम क्यों झेले, आपकी बदमाशियों को हम क्यों झेले, आपकी बदमाशियों को हम क्यों ले ले अपने अंदर, पैसा देता है तो तुम्हारा झंड तुम्हारी कचर पट्टी को ले ले, आपकी बदमाशियों को नहीं ले, हम ट्राई करेंगे जब आपकी बदमाशियों को दूर कर दे, सच्चा मित्र वो नहीं होता जब आपका बीमारी को ले ले, आपको बीमार है और हम आपके सच्चे मित्र, लाओ यार तुम अपना बीमारी दे दो हम, ऐसा नहीं होती, सच्चा मित्र का मतलब आपकी बीमारी को दूर कर देंगे, दोनों आदमी मुक्त रहेंगे बीमारी से, सिंपल फंडा। तो आप जो है जिन हम डांटेंगे भी क्लास में, हम डांट भी देंगे अगर हरकत आपको उटपटांग दिखेगा, क्योंकि बनता है मेरा, यही आजकल के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है जो किसी टीचर्स के द्वारा विद्यार्थी को नहीं डांटा जाता है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया आजकल के एजुकेशन सिस्टम में, पहले बाप रे बाप टीचर विद्यार्थी थर थर, सर जी कहीं डांट न दे, और सर जी डांट देते ना घर पे जाकर सोते नहीं थे, जी सर जी बहुत बुरा लग रहा है, सर जी हम डांट दिए आप क्या, अरे दसवां में आप लोग बच्चे थे और रियल विद्यार्थी थे, बिल्कुल झंड हो गया है, बिल्कुल झंड हो गया, टेंथ में देखते होंगे टेंथ में टीचर के प्रति कितना रेस्पेक्टेबल बिहेवियर होता है, टेंथ में बाप व टीचर्स के प्रति कितना रेस्पेक्ट, आप बताए जब आपकी रेस्पेक्ट गई ना तो आप गए, रेस्पेक्ट इंसान का, रेस्पेक्ट इंसान का संस्कार होता है, जो नॉर्मल गाँव टोला में बोला जाता है, रेस्पेक्ट ही इंसान का संस्कार होता है, और संस्कारें जब आपके पास नहीं है तो आपके अंदर चीज़ें टिकेगी किससे, ऐसा हो गया कि क्या आपका चटपट्टी ले लिया, जो चीज़ आपका अपना नहीं था उसको आप अपना समझ बैठो। एक दिन हम 11th में पूरा चर्चा किए थे ना एक साइकोलॉजी टर्म, ईड ईगो और सुपर ईगो के बारे में, ये कोई भी चीज़ अपनी मुँह की चीज़ें नहीं कहते, सब प्रमाणिक चीज़ें कहते हैं। एक बार आपको बताए थे ना कि दुनिया के जितना भी प्राणी है उसमें ईड होता है,
ईगो होता है और सुपर ईगो होता है, है ना। ये ईड जो है वो सभी में होता है, ईड सभी में नहीं होता है। और ईगो और सुपर ईगो के बीच जो तालमेल सेट कर लेता है वही बढ़िया बन जाता है। ये सुपर ईगो को एक दूसरा भाषा में संस्कार कह सकते हैं, है ना। और ईगो तो हम सब जानते हैं, ईगो को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं कहते हैं तुम अपना ईगो के चक्कर, तुम अपना ईगो के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ लिया। देखिए ईगो, सुनो मेरी बातों को, आप बिना कोई चीज सोचे हुए रिएक्ट कर दिए, वो आपका ईगो है। नहीं ईगो है जैसे बोले भर ओकरा उससे थोड़े हम बात करेंगे, हालांकि वो ये बोल दिया, मतलब ईगो का मतलब होता है कि जो तुम ऐसा मान लिया कि तुम ही सही हो, तुम मान लिया कि हमेशा तुम ही सही हो। इंसान को विनम्र होना चाहिए ताकि कोई कुछ सही बोले तो मान भी लो, और खासकर तो डांट सुनने की आदत रखो क्योंकि यही चीज़ें आपको ठीक कर देता है। और अगर अभी अगर आप डांट से रिएक्ट करते हो तो इसकी पूरी गारंटी है जो आने वाले वक्त में अपने पापा के डांट से भी आप रिएक्ट करोगे, पूर्ण गारंटी है। अभी से कचरपट्टी, अभी मन में कचरपट्टी घुसने का रीजन्स होता है जो बाद में भाई से लड़ते हैं। अभी आपके मन में गंदा दिमाग घुस गया ना, देखिए अभी आप और आप भाई हो, देखिए सच्ची चीज़ें, अभी हम और भाई, आप और आपके छोटे भाई, जैसे आपके छोटे भाई को कोई कुछ बोल देगा ना, ये एक चमेटा मार देगा, चीर दोगे उसको, चीर दोगे, है ना। लेकिन 50 साल बाद ये कहाँ चला जाता है भाई, 50 साल बाद आप उसको चीरने की कोशिश करते रहोगे, कोशिश करोगे, जैसे आपके चाचा पापा में हो रहा होगा गांव में, पता है इसकी शुरुआत अभी से ही हो चुका है, इसकी शुरुआत अभी से हो चुका है कि आप पक्षपात करने लगो, ये अपना है वो अपना है, क्योंकि अभी से आपके मन में एक लिटिल लिटिल नकारात्मकता जाता स्टार्ट हो गया है, है ना। ये चीज़ें माहौल से, ये चीज़ आती माहौल से, ये चीज़ आती है अच्छे मेंटर्स नहीं मिलने कारण। आप देखते होंगे अगर आपके घर में आपके अच्छे दादाजी हैं, सीनियर आदमी हैं, तो सीनियर आदमी सामने बच्चे को बैठा करके अच्छा संस्कार देते हैं, बाबा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अपने में रहिए, है ना, कमाइए खाइए सबका आना चाहिए, लेकिन किसी का बुरा मत करो, कोशिश करो आपसे लोग खुश हो, है ना। अच्छे आदमी जो है हमेशा अच्छे ही रहते हैं, पैसा करते, मेहनत करते, वो पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत से जो पैसा आता है वो दे देते हैं, मेहनत से जो पैसा आता है वो देते हैं। दुनिया में हम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट टाटा ग्रुप्स को हम देते हैं, रतन टाटा जी, सुनो बाप रे बाप, उनके कभी भी इनकम जो है $1 बिलियन से ज़्यादा होबे नहीं किया, क्योंकि कभी होने ही नहीं देते, कभी भी उनकी इनकम $1 बिलियन से ज़्यादा होबे नहीं किया, $1 बिलियन से ज़्यादा होबे नहीं किया, क्योंकि वो $102 बिलियन दान देती है, है ना, $102 बिलियन दान कर चुके हैं, $102 बिलियन समझ रहे हैं, $1 बिलियन बराबर होता है 8,000 करोड़, $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ होता है, $102 बिलियन जहाँ दान कर चुके हैं, है ना। टाटा ग्रुप 200 साल कंपनी पुरानी है और 125 से ज़्यादा ब्रांड है उनका, टाटा स्टील, टाटा समथिंग, दुनिया जहाँ वगैरह वगैरह। तो क्या होता है इंसान में जो है, आपके अंदर जब ये जनरेट हो जाती है ना, तो आप एक अच्छे इंसान हो जाते हो, और सबसे पहले अच्छे इंसान होते हो कि आप खुश हो जाते हो, है ना। नहीं तो अगर आपके अंदर ये जनरेट नहीं है ना, तब ओवर पोसेसिव सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है, सेल्फ मतलब आप ही सही हो, मतलब 10 बच्चे के झुंड में केवल और केवल आप ही सही कैसे हो सकते हो, हम सब सही हैं ऐसा नहीं हो सकता, केवल और केवल आप ही सही क्यों हो सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलती है टीचर से, ये सारा चीज़ें मिलती है हम लोग की बैड कंपनी, बुरी संगत ग्रुप से, है ना, ये सारा चीज़ें मिलता है हम लोग के अपने खानदान से, बुरा मत मानना सही चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ें मिलती हैं हम अपने आजू बाजू जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, हम जहाँ आप यहाँ 1 घंटा मैथ्स पढ़ लिए, हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें बोल दिए, है ना, क्या उखाड़ लिए हम, क्या उखाड़ लिए हम, कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर से तो आप 23 घंटा वहीं में जाओगे, उसके बाद ये अच्छी चीज़ें और बुरा चीज़ें में कंट्राडक्शन चलने लगेगा, उसके बाद मेरी बात है आपको लगेगा क्या सर पका रहे हो, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती, इमेजिन करो ना, बच्चा नहीं हो आप, 1 म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती हो। और कभी आज जब ये चीज़ इतना आगे बढ़ते जाता है, कचरपट्टी कचर में एक इतना ज़्यादा आगे बढ़ने जाता है कि हम उसी में रहना सुकून फील करते हैं, ये जो कचरा चीज़ है, नकारात्मक चीज़ें, इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है जो हम उसी में रहना सुकून फील करते हैं। देखते होंगे जो अच्छा लड़का है इस प्रकार के संगत में आएगा ना, तो एक दिन में उसका दम घुट जाएगा, और जो उटपटांग बंदे हैं घूमने फिरने वाला, वो एक दिन यहाँ आएगा तो उसका दम घुट जाएगा, डिपेंड करता है, वो तो डिपेंड करता है आपका थिंकिंग में ना। मतलब अगर आप अच्छे बंदे हो और अगर किसी कारणवश ऐसे जगह पर चले गए जहाँ पर आपकी मानसिकता ही नहीं मैच कर रही है, मतलब एक दिन में आपका दम घुट जाएगा, बुरा जगह पर। और अगर उटपटांग लड़के हो, डिंग डांग करने में बड़ा मजा आता है, अच्छी जगह में एक दिन में आपको लगेगा क्या पका रहे हो,
मतलब आपका दिमाग इतना नकारात्मक हो चुका है जो कोई सकारात्मक की जगह नहीं है आपके दिमाग में, है ना। और ना आप बनना चाहते हो, ना ही आप बनना चाहते हो। और आपका सबसे दुर्भाग्य ये है ना, जो अगर थोड़ा सा भी तिनका मिला आपको, उसको भी खो दिया, क्योंकि आप सोचते ही नहीं हो, सोचते नहीं। और इसका फ़ायदा पूरा दुनिया उठाता है, समझे। जब तक बेवकूफ़ हो, आपको एक उदाहरण बताया जाता है, थोड़ा गौर करना, टीचर्स के अकॉर्डिंग से हम आपको बताते हैं। आजकल मोबाइल चलाते हो सब, मोबाइल फ़ोन चलाते हो, और लोग देखो कितना ज़्यादा गुलाम पसंद करता है लोग, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर लोग दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, वो सब ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना धंधा बनाता है। एजुकेशन क्या हो गया है, पढ़ाई क्या है अभी के टाइम में, अगर किसी को पढ़ना है तो वो किसी टीचर्स के पास जाएगा। अभी के टाइम में जब ज्ञान हवा में भी घूम रही है, अभी के दौर में अगर किसी को पढ़ना, वाकई में किसी को ज्ञान लेनी है, वाकई में किसी को ज्ञान लेनी है, तो क्या वो किसी आदमी के पास जाएगा? बिल्कुल गलत बात है, जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हवा में भी ज्ञान है। एक मोबाइल लेके घर में घुस जाओ, है ना, और मोबाइल फ़ोन प्रॉमिस कर लो जो हम मोबाइल फ़ोन में उसी चीज़ को देखेंगे जो चीज़ पॉजिटिव होगा। स्टार्टिंग में मुझे नहीं समझ आएगा, लेकिन फिर भी हम उसी को देखेंगे तो मजा आ जो उसको कोई नुकसान कर सकता है। अब बताइए, वीडियो आर में देखते होंगे हम लोग, बहुत सारे टीचर्स आप लोग भी करते होंगे, देखते होंगे दिल्ली आर के मुखर्जी नगर में कोचिंग में 2000 विद्यार्थी भरल है, है ना, और टीचर्स आएगा एकदम हीरो जैसा एंट्री, शॉर्ट्स वीडियो, और एक गीत बजा, उस पर म्यूजिक सेट कर देगा, और जैसे टीचर स्टेप रुका विद्यार्थी सब सीटी मारना शुरू हो गया गाना। सबसे पहले तो जो भी बैठे हुए हो वो सारे चूतिए हो, बहुत बड़े वाले, समझ गया ना, आप सब बनोगे गुलाम, है ना, आप सब बनोगे गुलाम, और आपके चक्कर में ये आदमी हीरो बन गया। मतलब तुम ना कभी खिलाड़ी बनना ही नहीं चाहते हो, अब तुम ना विराट कोहली को गालियां देकर खुश हो। उदाहरण के तौर पे एक स्टेडियम में 12-13 खिलाड़ी खेल रहा है, अब पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है ना, और आप टिकट कटा करके और आप मैच देख रहे हो, तो आप छीटा कसी नहीं करते हो, ताली बजाते हो, सीढ़ी बजाते हो, और तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, और वो खिलाड़ी खेल रहा है, कुछ गलती किया तो आप लोग गाली दे देते हो। अब थोड़ा उसके दृष्टिकोण से आप देखिए तो जो आप क्या हो, अपने दृष्टिकोण से तो आप तो हीरो हो पाओ, हम तो ग्राउंड में आ गए। थोड़ा इमेजिन इस बात को, आसान इतना सिर्फ वर्ड से मत समझना, इस बात को थोड़ा 2 मिनट सोचा जाए। आप टिकट कटा के ग्राउंड में गए, वो 12-13 खिलाड़ी खेल रहा है, आप उस पर टिप्पणी कर रहे हो खिलाड़ी पर, और अपने दृष्टिकोण से आप तो हीरो हो पाओ, हम टिकट कटा के आए, हम तो हीरो हैं। अपने दृष्टिकोण में सेल्फ ऑब्सेशन आपका क्या है, आप तो बहुत महान समझ रहे हो अपने आप को। उसकी दृष्टिकोण में आप देखिए आप क्या हो, खिलाड़ी की दृष्टि, खिलाड़ी आपको क्या समझता है, आप गाली देते हो, कुछ कुछ बोल देते हो, और विराट कोहली इधर फील्डिंग कर रहा है, और आप कुछ बोल दिए, विराट कोहली के दृष्टिकोण में आप क्या हो, आप कुछ हो ही नहीं, आप कुछ हो ही नहीं, लेकिन अपने दृष्टिकोण में आपको लगता है कि हम तो बाव महान है। वही वो चीजें होती है, विराट कोहली के दृष्टिकोण से आप कुछ हो ही नहीं, क्या है, नल्ला। अरे भाई यहाँ पे गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप इसी चीज़ों को पहले आपको बता चुके हैं, जो तुरंत जाकर के फैसला मत लो। विराट कोहली के दृष्टिकोण से आप क्या हो, देख रहे हो ना, आप कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, उसके दिमागों में नहीं टिकोगे आप। वही टीचर्स वाली चीज़ें होती है, जितना ज़्यादा आप बताइए, ज़्यादा चाइना की चीज़ें आपको तुरंत हम आपको बताना चाहेंगे, इंडिया में जितना ज़्यादा संसाधन है, मतलब बाप रे बहुत संसाधन है, लेकिन इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत बेकार है। संविधान पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है एजुकेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए, पढ़ाई जो है उसको कोई धंधा नहीं बना सकता, ये संविधान का एक स्टेटमेंट है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल, सबसे ज़्यादा एजुकेशनल, सबसे ज़्यादा बिजनेस एजुकेशन को बनाया गया है। क्लियर कर लिए। अब उदाहरण के तौर पर देखिएगा, खान सर जी UPSC का बैच लॉन्च किए, 7,500 में बैच, अब कोई भी बच्चा उसको ले सकता है। आप लोग सब कोचिंग का फी मिला होगा ना, एक साल 7,500 पूछ रहा है, 10,000 पूछ जाता है, लेकिन 7,500 में UPSC का, और उससे पहले UPSC का एक संस्था था दिल्ली के मुखर्जी नगर में, दृष्टि 2.5 लाख, 3.5 लाख, है ना, जाहिर सी बात है ज़्यादा फी था, तो उसी प्रकार के बच्चे लेते थे जो वाकई में IAS YAS बनना चाह रहे थे। लेकिन अब खान सर जी का स्टेटमेंट है, जो कपिल शर्मा के भी शो में गए थे, तो खान सर जी का स्टेटमेंट है, जो मैं इतना ना 2.5 लाख के फी को हम 7,500 कर दिए, अब क्या होगा,
सब बच्चा यूपीएससी की तैयारी करेगा। अब सुनो, कंपटीशन तो क्या, तेल लेने के लिए कंपटीशन है कहाँ यहाँ पे, है ना, सब चूतिया पाए, कंपटीशन नहीं है, सब है कचर पट्टी। मतलब सबको आप एक ही फील्ड में झोंक दो, मतलब लोग सब अलग अलग जगह पे बड़ी आराम से काम कर रहा है, और काम यही होना चाहिए, सब जगह लोग काम कर रहा है, सौ आदमी, और आप क्या किए, एक मालिक उसमें आया और बोला सब यहीं आ जाओ, तो क्या होगा, तोरा ऊपर होने लगेगा और उस चीज़ से क्रैश हो जाएगा। नहीं समझ रहे, एक चीज़ में पांच चीज़ों का कैपेसिटी है, पांच ही चीज़ें रहने दीजिए, छः को ठेल सकते हो, लेकिन पांच चीज़ें का कैपेसिटी है, वहाँ पे आप 500 चीज़ों को ठेल दोगे तो क्या होगा, चीज़ें क्रैश, बर्बाद। सिंपल पॉइंट है। तो खान सर जी का एक बढ़िया सा स्टेटमेंट था उनके हिसाब से कि हम तो 7,500 कर दिए, अब सभी बच्चे, गरीब के बच्चे भी यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, और जिसको यूपीएससी साल में सीट 200 करेगा तैयारी, 2 करोड़ और सीट 200 फाइनली, ठीक है, 200-300। अब बताइए, ये तो कार जीतो जैसा प्राइज हो गया हो, लॉटरी होता ना दुर्गा, हम लोग 30 रुपये में टिकट कटवाए हैं मंसूरचक में, हर एक जन्माष्टमी में टिकट कटवाते थे, काली स्थान महेंद्रगंज, तो मोटरसाइकिल का एक लालच दिया गया 30 रुपया, अब बाप रे उसके चक्कर में 1,00,000 टिकट कट गया, एगो को मोटरसाइकिल तो मिलवे करेगा, अब 1,00,000 एक आदमी से 30 रुपया लिए, 1,00,000 टिकट बिका, 30,00,000 रुपया हमारा पास जमा हुआ, एक मोटरसाइकिल का दाम 80,000, और प्रत्येक आदमी टिकट कटा रहा है वो मोटरसाइकिल के उद्देश्य से, है ना, और 30 रुपया तो जा रहा है, लोगों को लग रहा है 30 रुपया तो जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जमा कितना हुआ, 30,00,000, उसमें सुबह खर्चा होगा 80,000 ना। अब यहाँ गौर से देख लीजिए चीज़ें, लोग कह रहा है मोटरसाइकिल तो हमको फंस ही जाएगा, अब यहाँ पे देखें ना कितने के सपने साकार होंगे। तो बस यही देखिए, वही तो लोच है साइकोलॉजी, सब सोच रहा कि जो हमको ही फंसेगा, सब अपने ऊपर में सोच रहा हमको फंसा, और यहाँ मुद्दा ये है ना, अरे भाई यहाँ तो मोटरसाइकिल को उदाहरण दिया जा रहा है, तो गया 30 रुपया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बात अगर पैसा चला गया तो तुम बाद में कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं जा रही है, तुम्हारी जवानी जा रही है, समय जा रही है, सब कुछ चला जा रहा है, प्रॉब्लम पैसा जाने की नहीं, पैसा जाएगा फिर आ जाएगा। तो खान सर जी का एक बढ़िया स्टेटमेंट है, जो हम शिक्षा को कम कर दिए तो या क्या होगा, जो सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर सकते, अब हर साल यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था 20,00,000, अब करेगा 10 करोड़, है ना, और अगर जिसका जॉब हुआ तो हुआ, और जिसको जॉब नहीं हुआ तो कम से कम एक अच्छा नागरिक बनेगा। अगर आपके दिमाग पे यूपीएससी ढुक गया तो यूपीएससी नहीं तो कुछ हो नहीं, आपको पता है हर साल कितना मेंटल रोगी बन जाता है तैयारी चक्कर में, पागल हो जाता है, जितना ज़्यादा को जॉब नहीं होती है ना उसका कम से कम 100 गुना मेंटल पेशेंट हो जाता है। हाँ, सिंपल फंडा, क्योंकि जाहिर सी बात है होना तो किसी 200 के है, 2 करोड़ में से, तो सीधे तुम एक सोचते हो जिसको हुआ। देखिए हम लोग एक बात बताते हैं, पहली बात आपको बता दे, जितना भी यूपीएससी में जिसका भी जॉब होता है वो सारे IITian होते हैं, यूपीएससी में जिसका भी होता है वो सारे IITian होते हैं, 95% सीट हो, इस बार एगो हिंदी मीडियम को हो गया रवि सिहा को, तो उसको चने पे चढ़े ले हैं उसको, देखा, इस बार एगो बंदा को हो गया हिंदी मीडियम वाले रवि सिहाग, तो उसको इतना ना चने के झाड़ पे सेलिब्रिटी बना दिया ताकि लोगों को लगा कि जैसे सबको हो जाएगा, तो उसमें जितना भी यूपीएससी बनेगा सारे होते हैं IITian। देखिए मेरी बात को पूरा अच्छे से समझिए, क्योंकि हम इस चीज़ों को एकदम बारीकी से बताते हैं, एक मिनट, सभी बच्चे देखिए, इंडिया में यूपीएससी का एग्जाम्स देने के लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, है ना, और आप लोग प्लस टू में चले गए, बस कुछ महीना बाद आप प्लस टू पास कर जाओगे, उसके बाद आपकी एडमिशन कहाँ हो जाएगी, ग्रेजुएशन में, और आपके दिमाग एकदम खाली है। तो इंडिया में बहुत ऐसे कॉलेज है जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, सबसे पहले तो कुछ ऐसे कॉलेज है जो सब विद्यार्थी को इनवाइट कर लेता है, जो तुम आओ ग्रेजुएशन करवा देंगे, प्लस टू की डिग्री ले आरबी कॉलेज, LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, आरबी कॉलेज, कहीं आप प्लस टू करोगे अरबी कॉलेज में जाकर एडमिशन करवा लोगे। तो कुछ ऐसे कॉलेज है जो सब विद्यार्थी इनवाइट करता है, जाओ तुमको ग्रेजुएशन की डिग्री हम दे देंगे, ठीक है, तुमको कोई इंट्रेंस, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं लेंगे। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे कॉलेज है जो चाहते हैं क्या, जो हमारे कॉलेज में वही आए जो कॉलेज के लायक है, इसके लिए प्रत्येक कॉलेज अपना अपना इंट्रेंस बनाया हुआ, इंट्रेंस मतलब प्रवेश परीक्षा, जैसे IIT का पूरा नाम होती है IIT JEE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम, JEE, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम, इंट्रेंस मतलब प्रवेश परीक्षा है,
तो मतलब वो प्लस टू के बाद ही आपको देना पड़ेगा, और अगर वह प्रवेश परीक्षा प्राप्त पास करते हो तब आपको वो कॉलेज मिलेगी, समझ गया ना। और अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको ये कॉलेज मिलेगा आरबी, है ना। अब आरबी कॉलेज में एडमिशन करवा लीजिए और घर आ जाइए, लेकिन वो आईआईटी कॉलेज में आप एडमिशन करवाइए और चार साल वो रगड़ेगा, अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिलकर आपको अप्रेसराइज देगा, तरह तरह की चीज़ें सीखोगे। पढ़ाई सिर्फ किताब पढ़ना का काम नहीं होती है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना होता है। जब कोई आईएएस वाईएस बनता है तो उसका इंटरव्यूज देखते हो, बंदे को कॉन्फिडेंट देखते हो, आपको लगता हो कि जो ये सिर्फ हर एक फील्ड में इसका ज्ञान है, हर एक फील्ड में इसका ज्ञान है। अब तुम बताओ, तुम आरबी कॉलेज एडमिशन करवा लिया और घर आके पढ़ाई करो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या ज्ञान होगा। और कोई बंदा जो ऑलरेडी तुम बहुत तेज हो, मतलब तुम बहुत भूसकोल हो और फिर भी तुम पढ़ नहीं रहे हो, और कोई बहुत तेज है फिर भी वो बहुत पढ़ रहा है, मतलब समझ आइए तेज एकदम में से तेज होते जा रहा है और भूसकोल एकदम में भूसकोल होते जा रहा है। नहीं देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं ना, मतलब जो एंट्रेंस क्रैक किया वो आठवें नौवें से प्रिपरेशन कर रहा होगा, नौवां से, तो बहुत तेज है और उसको वहाँ पर और ज़्यादा तेज बनाया जा रहा है, और चार साल में बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। और हम लोग एक तो गोबर है, और ऊपर से एग्जामिनेशन लेने के बाद और गोबर बनते जा रहा है। अब देखिए इसकी कोई कॉम्पिटिशन है क्या यहाँ का, ऐसे ना है एगो यहाँ है तो यहाँ ना है, लेकिन जब ग्रेजुएशन होगा तो हमको आरबी कॉलेज डिग्री देगा और उसको आईआईटी डिग्री देगा। तो आईआईटी से चलो मान लिया लड़का हर साल 50,000 विद्यार्थी आईआईटी से पास कर लिया, लेकिन 50,000 जो पास किया समझ रहे कैसा बंदा होगा, बाप एक बंदा लाख में भारी, तो 50,000 में से जो 10,000 होंगे वो कैंपस ले लेता है, कैंपस सिलेक्शन, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जिसे देश चलता है वो आईआईटी में नज़र गराया हुआ रहता है जी भाई इस बार इस आईआईटी कॉलेज का बेस्ट ब्रेन मेरा होगा, तो वो कॉलेज में जाता है जॉब ऑफर करने के लिए, जिसको प्लेसमेंट कहते हैं, जिसको अरे हम लोग हर साल प्लेसमेंट देखे हैं, अब विद्यार्थी को भाग दौड़ करते तो प्लेसमेंट देने के लिए जाता है। अब विद्यार्थी जो गरीब है आईआईटी बहुत गरीब आदमी है, ब्रिलियंट है, तो क्या करेगा, प्लस टू के बाद उसको नौकरी की ज़रूरत है, तो कंपनी में चला जाता है 10-20 लाख का पैकेज पे, मतलब 50 लाख में से 10 लाख को जॉब हो जाता, प्लेसमेंट हो जाती डायरेक्टली कंपनी में जॉब। और 40 लाख बचता जो अच्छे घराने को होते हैं, वो सोचता है ना हमको नौकरी नहीं लेना है, हमको और पढ़ना है, और वही बंदे आते हैं आईएएस वाईएस बनने के लिए, और यहाँ से हम लोग जाते हैं आईएएस बनने के लिए, तो हम लोग सिर्फ डुगडुगी लेके जाते हैं। वैसे तो मान लो जो सीट पर तो उसी का अधिकार है, तुम मान लेना चाहिए ना जो सीट पर अधिकार किसका है, उसका है, क्योंकि तुम अगर तुम अपना अधिकार सिद्ध भी करना चाहते हो ना, तो कम से कम 10 साल तो तुमको नंबर लगाना पड़ेगा, 7-8 साल, नहीं समझ रहे हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे सुनो, अगर सुनो इस बार एग्जाम्स हुआ तो चलो मान लेते इस बार पास कर गया, तो 150 नंबर पे पास है मान लेते, तो 150 जिसको आ गया 150 ज़्यादा पास हो गया, तो किसी को आया 149, किसी को आया 148, किसी को 146, इतना भी आता होगा ना। तो पास अगर 500 किया तो कितना ऐसा विद्यार्थी होगा जिसका 1-2 नंबर से छूटा है, लाख हो, नहीं समझ रहे ना, लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके 1-2 नंबर से छूटा है, पास किया 500, उसका लक के कारण पास हो गया, लेकिन लाखों ऐसे बच्चे जिसका 1-2 नंबर कारण छूटा है, तो आपको क्या लग रहा है जो छूटा है 1-2 नंबर से वो ज़्यादा घुसखोल था क्या जो पास किया उससे, अरे हो सकता है इससे ज़्यादा पावर हो, तो लक के कारण 1-2 नंबर घुस गया, नहीं समझ रहे ना। तुमको आगे 151 है, एगो का 149, 2 नंबर का अंतर है, तो क्या ये 2 नंबर पर ज़्यादा गोबर है का, ये भी वही है, वो तो लक खराब कारण पीछे रह गया। अब ये तो मतलब 500 पास करेगा, लेकिन लाखों बच्चे जो 1-2 नंबर से छूट गया वो भी तो दावेदार है ना जॉब का। अब अगला बार तो वो लेगा कि हम लेंगे, अगला बार कौन लेगा भाई, हम लेंगे, वो इसी बार दावेदार था, और ऐसा 200 नहीं है, लाखों है, और ध्यान रखिए लाखों में से भी अगला बार 500 होगा, फिर बाकी 1 लाख में से 500 कम खखुआएगा, नहीं समझ रहे हो। तो लॉजिक से कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं, अगर अभी से कुल्ली लगाए तो हो सकता है 5-7 साल बाद नंबर आएगा, तो इसीलिए कहते हैं वो 5-7 साल बाद ये होता ही है, तो वही बंदा सके जो डिजर्व करते हो। सबको भीड़ बकरी कर दो, सबको बर्बाद कर रहे हो आप, नहीं समझ रहे हैं ना। आपका काम क्या, हम तो टिकट ले लिए, और एक बार उसमें झूठ होने बाद, बहुत ही उटपटांग चीज़ है ये, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच विचार करके पढ़ना, हम जिसमें शक रहे वो पढ़ना, झूठ मूठ के चने के झाड़ पे ये गलत बात होती है। हाँ, बिहार का पिछड़ेपन का कारण सरकारी नौकरी और सिविल सेवा, और बिहार को एक गलत तरीका से टैग दे दिया है, जो बाबू बिहार या उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा लड़का आईएएस बनता है, इसी में बिहार फूच है।
बात लेकिन सही है ना, मतलब बिहार को ना झूठ मूठ के चने के झाड़ पे। ये जैसे आप लोगों को कहा जाएगा कि दो को सवाल बना लिए, लेकिन हर एक हम मेरे यहाँ आए ना, हम आपकी खूब तारीफ कर रहे हैं, तू टेंशन मत लो, तुम्हारा इस बार सीट पक्का है। तो आप क्या करोगे, मेरा कोचिंग छोड़बे नहीं करोगे, क्योंकि आपको यहाँ फुलाया जा रहा है, इससे आपको मजा आ रहा है। तो उसी प्रकार बिहार को किया जा रहा है, और इसके चक्कर में युवा जो है उसके दिमाग में कुछ चलता ही नहीं एक्स्ट्रा, कुछ अपना पूरा जवानी 25 साल 26 साल तक एक चीज़ में बता देता है। पता चलता है क्या, जे हमको इसके अलावा लाइफ में हमको सर दूसरा चीज़ आईवे नहीं करता है, और 25-26 साल के बाद कुछ में दिमाग लगवे नहीं करता एक्स्ट्रा चीज़ों में। और वही जो बंदे IITian होते हैं वो हमेशा ओपन रहेगा, है ना। बहुत सारे बंदे तो जॉब लेता नहीं, अरे हमको जॉब नहीं लेना, अभी सीखनी है। अगर किसी कंपनी में काम भी करने जाएगा ना तो स्वार्थी हिसाब से जाएगा, भाई इस कंपनी में 3 साल काम करने, 3 साल काम करने के बाद देखेंगे जो कंपनी काम कैसे करती है, उसकी टेक्निक को सीखेंगे, और या इंडिया आकर के अपना स्टार्टअप करेंगे, है ना। सिंपल फंडा होती है, और पैसा बनाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे, चीज़ें चिल करेंगे, समझे ना। तो ये समाज से, और ये अभी से बनाना पड़ता है ना। और यहाँ पे चेप दे रहे हैं कुछ, हमको ये चीज़ें ठीक नहीं लगती, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं। और ये सब चीज़ आप लोग को बोलेंगे तो आप लोग कहोगे जो मास्टर पागल हो गया, हमको पका रहा, बोल दोगे आप लोग, प्रस्थान करना है। नहीं प्रस्थान करोगे अरे कहाँ, अभी कोई नहीं जाएगा।